कहा जाता है इंडिया में है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आइए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंडिया कितना डाइवर्स है, यानी भारत कितना विविधतापूर्ण है। तो एक जगह बैठ के घूमते हैं पूरी इंडिया और शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का सबसे ज़्यादा पालन किए जाने वाला धर्म हिंदुज़म है और उससे ही नाम पड़ता है हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ पर स्थित 80% जनता हिंदुज़म को फॉलो करती है, यानी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। उसके बाद आता है इस्लाम, फिर क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और बहुत। यही तो इंडिया की स्पेशलिटी है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जिसमें इतने अलग अलग धर्म और प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे धर्म में विभिन्नता है, वैसे भाषा में भी है। अगर आप उत्तर भारत में जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग एक्सेंट की हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, हरियाणवी ऐसी कई भाषाएं सुनने को मिलेंगी। वहीं पश्चिम भारत में आओगे तो आपको ज़्यादातर मराठी और गुजराती सुनने को मिलेंगी, और पूर्व भारत में आसामी, बंगाली, ओडिया और हिंदी भाषाएँ सुनने को मिलेंगी, और दक्षिण भारत पर मुड़ने पर कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी साउथ लैंग्वेजेस आपको सुनने को मिलेंगी। वही भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसीलिए पूरे देश में आपको हिंदी तो सुनने को ज़रूर मिलेगी। और अगर आप भारत के किसी शहर में जाओगे तो इन सारी भाषाओं के लोग वहाँ रहते हैं। भारत में कुल 22 भाषाएँ बोली जाती है, जिनमें सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। अब आते हैं भारत के तीर्थ स्थान यानी पिलग्रिमेज सेंटर्स पर। दुनिया में फेमस कई धार्मिक स्थल भारत में पाए जाते हैं। वही शिरडी, तिरुपति, अमृतसर, द्वारका और केदारनाथ इनमें से सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। भारत में आपको कई जगह पर मंदिर, चर्चेस, मस्जिद और गुरुद्वारा देखने को मिलेंगे। और भारत की मुख्य होली रिवर गंगा तो इस देश का धार्मिक केंद्र है। भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। वही दिवाली, ईद, क्रिसमस, नवरात्रि और होली जैसे त्यौहार साथ में भी मनाए जाते हैं। अब इतनी डिटेल में बात कर ही रहे हैं तो हम खाने को कैसे भूल सकते हैं। इंडिया दुनिया का एक मैसिव फूड हब है। अलग अलग जगहों के फेमस अलग अलग फूड्स से इंडिया जाना जाता है। नॉर्थ इंडिया के फेमस सरसों का साग, छोले भटूरे और अलग अलग प्रकार के चाट, पाव भाजी, ये सब फेमस है। वही वेस्ट इंडिया में मिसल पाव, ढोकला, वड़ा पाव, ठेपला और फिशेस फेमस है। साउथ इंडिया की इडली, मेदू वड़ा, डोसा और उत्तप्पा पूरे देश में फेमस है। और ईस्ट में मिलेंगे लिट्टी चोखा, रसगुल्ले, मिस्टी डोई और मोमो। वही इंडिया अब 138 करोड़ लोगों का घर है, यानी इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है, जिनमें ज़्यादातर 15 से 64 उम्र के लोग रहते हैं। यानी इंडिया में यंगस्टर्स और अडल्ट्स की तादाद ज़्यादा है, यानी हमारे जीडीपी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों का नंबर ज़्यादा है। और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी 5th इकोनॉमी है। इंडिया के कई डांस फॉर्म्स भी फेमस है, इनमें से कुछ है कथकली, भांगड़ा, लावणी, गरबा, भरतनाट्यम और दूसरे फोक डांसेस। इंडिया अब डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के ओर बढ़ रहा है, और इसीलिए वेस्टर्न कल्चर को अडैप्ट करना, उसके क्लोथिंग को अडैप्ट करना इंडिया सीख रहा है। और रिसेंटली इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ वेस्टर्न क्लोथिंग भी इंडियन गवर्नमेंट ने सैंक्शन की है। इतने सारे प्रकार के लोग जो अलग अलग बेसिस पर एक दूसरे से डिफर करते हैं, वो इस देश में कई सालों से रह रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है
इंडिया में है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर आप भी है एक प्राउड इंडियन तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।